नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, नवीन सत्र प्रारंभ किया जा चुका है। ऐसे में आपको बहुत से बच्चों को अन्यत्र अध्ययन हेतु या अन्य आवश्यक कार्यों हेतु चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक आप बच्चों को ऑफलाइन चरित्र प्रमाण पत्र जारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं एक आपके साथ उचित प्रक्रिया साझा करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप शाला दर्पण से ही बच्चों को चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए। सबसे पहले आपको आपके विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा। अब यहाँ आपको एक टैब दी हुई है विद्यार्थी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त टैब पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ कई अन्य तरह के और ऑप्शन आएंगे। उसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा विद्यार्थी चरित्र प्रमाण पत्र, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का नया प्रश्न खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ हम तीन तरीके से बच्चों का चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। पहला है बाय डीसी, दूसरा है उसी के पास बाय नेम, और तीसरा है अध्ययनरत। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दो प्रक्रिया बताने वाला हूँ। बाय डीसी की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो मैं आपको इन दो चीज़ों को बता देता हूँ। दोनों में से आप एक को अपना कर आप प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बाय नेम से आपको चरित्र प्रमाण पत्र कैसे जारी करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ बाय नेम पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अब जिस भी बच्चे का आप चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना चाहते हैं, उसका नेम आपको यहाँ टाइप कर लेना है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि नेम टाइप करने में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो आपका प्रवेश रिकॉर्ड है या जो आपका शाला दर्पण पर रिकॉर्ड है, उसी के अनुसार आपको यहाँ नेम टाइप करना है। और उसके बाद आपको यहाँ शो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने नीचे की ओर खुलकर आएगी। आप यदि मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ आपको बुक नंबर, यदि बच्चे ने जिस बच्चे का आपने नेम टाइप किया उसकी टीसी जारी हो चुकी है, तो आपको वो यहाँ शो हो जाएगी। आपने किस दिन बच्चे को टीसी दी है उसकी दिनांक आपको यहाँ शो होती रहेगी, और विद्यार्थी का नाम जो आपने टाइप किया है वो यहाँ दिखाई देता रहेगा। एसआर नंबर आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होता रहेगा। विद्यालय में अध्ययनरत वो कब से कब तक रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। अब यहाँ आपको अगला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड, तो डाउनलोड के नीचे आपको मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपको यदि इस बच्चे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करना है, तो यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, आपके सामने जो बच्चे का चरित्र प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। आपको उसे बस फोटो सील सिग्नेचर करके बच्चे को हैंड ओवर करना है। वो प्रक्रिया भी मैं अभी आपके साथ साझा करने वाला हूँ साथियों। तो पहले हम जो दूसरा ऑप्शन हमें वहाँ दिया गया था बाय एसआर नंबर, तो वो प्रक्रिया भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बिल्कुल चरित्र प्रमाण पत्र बताऊँगा कि आपको उसमें क्या कार्य करना बाकी रहेगा प्रिंट आउट लेने के बाद। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ अवेलेबल करवाया गया है अध्ययनरत का। यदि बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययनरत है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ क्लिक करेंगे डार्क बिंदु आपको यहाँ डिस्प्ले होगा कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ जो नीचे दिया हुआ है एसआर नंबर के लिए बॉक्स, तो यहाँ जिस भी बच्चों को आपको आपके विद्यालय में जो बच्चा अध्ययनरत है और उसका चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना है, तो आप यहाँ उसके एसआर नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है शो का, तो इस शो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। साथियों, मैं एसआर नंबर यहां प्रोवाइड करवाता हूं और आपको दिखाता हूं आगे कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र कैसा दिखाई देगा। अब इस तरह का आपके सामने नीचे इन्फॉर्मेशन शो होगी। अब यहां आपको व्यू में मिल रहा है व्यू स्टूडेंट सर्टिफिकेट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर यहाँ जो ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपके सामने स्टूडेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ आपको साथियों ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इसे प्रिंट कर लेना है। अब आपको इसमें क्या क्या कार्य करना है बच्चों को हैंड ओवर करने से पहले, वो भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ साथियों। तो आपको यहाँ देखना है नीचे, यहाँ आपको मिलेगा प्लीज पेस्ट फोटो ऑफ स्टूडेंट अटेस्टेड बाय हेडमास्टर और प्रिंसिपल। तो आपको बच्चे का फोटो है यहाँ पर लगा लेना है, और उसके बाद यदि आपके विद्यालय में प्रिंसिपल महोदय हैं तो उनके सिग्नेचर से उसे अटेस्टेड करवाना है, और यदि आपका विद्यालय छोटा है तो वहाँ हेडमास्टर होता है उससे आप इसे अटेस्टेड करवा सकते हो। और आपको यहाँ नीचे देखना है कि नीचे आपको क्या करना है, वो भी मैं बता देता हूँ।
यहाँ आपको मिलेगा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ ऊपर आपको जिस भी विद्यार्थी को आप ये प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके बाद यहाँ नीचे मिलेगा सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, तो आपको यहाँ सिग्नेचर क्लास टीचर के करवा लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपने प्रिंसिपल और हेड मास्टर का नेम डिस्प्ले होता रहेगा, उसी के ऊपर उनके सिग्नेचर करवा लेने हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे अंत में आपको सील भी, जो आपके विद्यालय की है, वो आपको यहाँ सील भी लगा देनी है और बच्चे को आप इसे हैंड ओवर कर सकते हैं। उम्मीद है साथियों इस तरह से आप बच्चों को चरित्र प्रमाण पत्र है उस शाला दर्पण से ही अब आसानी से जारी कर पाएंगे, वो भी ऑनलाइन। आपको अब किसी प्रकार के कागज़ और पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे शाला दर्पण पर जाइए, वहाँ से बच्चे को चरित्र प्रमाण पत्र इस वीडियो की हेल्प लेते हुए जारी कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।